नमस्कार जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान जारी। कानपुर, शाहजहांपुर और बरेली के कई बूथों पर ईवीएम खराब। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदाताओं में दिखा उत्साह। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से रखी जा रही नजर। कर्नाटक के ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आसार। सिर्फ 2 एग्जिट पोल ने भाजपा की वापसी का जताया अनुमान। 2024 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 110 से 120 सीटें मिलने का अनुमान। भाजपा को इस बार 80 से 100 सीटों से करना पड़ सकता है संतोष। कर्नाटक में वोटिंग ट्रेंड से भी मिल रहे सत्ता परिवर्तन के संकेत। विधानसभा चुनाव में इस बार लगभग 73% लोगों ने डाला वोट। पंजाब पुलिस ने सुलझाई अमृतसर में हुए धमाके की गुत्थी। 5 लोग गिरफ्तार। बम बरामद। DGP ने दी जानकारी। अमृतसर में सचखंड श्री हर मंदिर साहिब के पास एक और धमाका। अब तक का यह तीसरा ब्लास्ट। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आज मध्यरात्रि में विकराल चक्रवाती तूफान में बदल सकता है मोर्चा। बंगाल में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। बचाव कार्य के लिए पश्चिम बंगाल में NDRF की 6 टीमें तैनात। अंडमान, बंगाल, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश की जताएगी संभावना। 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे पीएम मोदी की मेजबानी। राजकीय भोज में होंगे शामिल। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। उद्धव के हिस्से में आएगी जीत या शिंदे को मिलेगी शिवसेना की कमान। केंद्र और दिल्ली सरकार विवाद पर भी आज आ सकता है निर्णय। राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर है विवाद। जो बाइडेन सरकार ने पेश किया नागरिकता अधिनियम 2023। अमेरिकी नागरिकता का सपना देखने वालों के लिए रोडमैप होगा तैयार। कनाडा पहुंचे पीयूष गोयल ने कंपनियों को निवेश के लिए किया आमंत्रित। बोले भारत में बेहतर कारोबारी माहौल। विकास में भागीदारी बने उद्योगपति। पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी को लेकर नहीं थम रहा बवाल। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के हो रहे नुकसान से कंगाल हो रहा है पाकिस्तान। सैन्य अधिकारियों के पालतू जानवरों को उठा ले गए PTI समर्थक। इमरान के समर्थकों ने कई जगहों पर दुकानों में भी की लूटपाट। पाकिस्तानी हिंसा में अब तक 8 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। PM शहबाज शरीफ के घर पर भी हमला। वाहनों को किया गया आके हवाले। पाकिस्तानी PM शहबाज सरकार का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। बोले देश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भाजपा और संघ का हाथ। हरियाणा के नूह में 5,000 पुलिसकर्मियों की 102 टीमों ने की बड़ी छापेमारी। 35 राज्यों के 28,000 लोगों से 100 करोड़ की ठगी का खुलासा। 14 गांव से करीब 125 संदिग्ध हैकर्स को किया गया गिरफ्तार। 66 आरोपियों के खिलाफ पुलिस को मिले हैं धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत। मुख्यमंत्री योगी से मिली द केरला स्टोरी की टीम। आज मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ फिल्म देखेंगे मुख्यमंत्री। GST चुकाने के लिए व्यापारियों के पास 31 मई तक का समय। GTA के पास सेवाओं की आपूर्ति के आधार पर भुगतान का विकल्प। कच्चे तेल के महंगे होने के बाद कई शहरों में बदले पेट्रोल डीजल के दाम। नोएडा में 15 पैसे महंगा होकर 96.79 रुपए हुई पेट्रोल की कीमत। मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए राज्य सरकार से नहीं मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश में अब मैनेजमेंट के जिम्मे रहेंगी सभी व्यवस्थाएं। वैज्ञानिकों के करिश्मे से पैदा हुआ दुनिया का पहला 3 पेरेंट्स वाला बेबी। बच्चे पर किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी का नहीं होगा असर। खरगोन हादसे में मृतकों के परिजनों को सौंपी गई सहायता राशि। घायलों को भी दिए गए चेक। हादसे में गई थी 25 लोगों की जान। झारखंड के चतरा में 13 वर्षीय लड़की ने दिया बहादुरी का परिचय। 40 फीट गहरे कुएं में कूदकर बचाई 3 साल के बच्चे की जान। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर प्रियंका ऋषि ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। लापरवाही बरतने पर 12 कर्मचारियों को जारी किया नोटिस। हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा दिल्ली को उपलब्ध करवाया जा रहा है मुक्त प्रवाह पानी। ब्रिटेन में मनी लॉन्ड्रिंग व मानव तस्करी में 12 पंजाबियों समेत 16 दोषी। राष्ट्रीय अपराध एजेंसी 11 सितंबर को सभी को सुनाएगी सजा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू से विजिलेंस ने 7 घंटे की पूछताछ। जम्मू से लेकर पठानकोट तक सैन्य स्कूलों में की गई छुट्टी। G20 बैठक व पाकिस्तान के हालात को लेकर सुरक्षा कड़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में चला बड़ा तलाशी अभियान। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने उतारे जवानों के दस्ते। राजौरी हमले में आतंकियों की मदद करने वाली महिला की तलाश। खाना से लेकर हथियार पहुंचाने तक की आशंका। छापेमारी जारी। G20 सम्मेलन में विदेशी मेहमान जानेंगे जम्मू कश्मीर के रंग। संस्कृति से होंगे रूबरू। डल के किनारे होगा मेगा कल्चरल शो। हिमाचल में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से 47 करोड़ लैप्स कोर्स को लेकर चल रहा विवाद। केंद्र ने बजट की दी मंजूरी। हिमाचल में 2.31 लाख महिलाओं को जून से मिलेंगे 1500 रुपए। नारी सम्मान योजना को लेकर जल्द जारी होगी अधिसूचना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज सुबह 5 बजे आया तेज भूकंप। रिएक्टर पैमाने पर 3.5 रही तीव्रता। फिलहाल हानि की सूचना नहीं। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंचा। केदारनाथ के लिए सबसे अधिक 9,54,000 रजिस्ट्रेशन। देहरादून में आतंक का पर्याय बना गुलदार। पिंजरे में हुआ कैद। मासूम की मौत के बाद एक और डरावना सच आया सामने।
शिकारियों का दावा, जिसे मारा उस पर 3 महीने पहले भी किया था हमला। एक शिकार पर 2 बार हमले की जिम कार्बेट की किताब में पहला मामला। CBSE के 10वीं और 12वीं के आज नहीं आएंगे परीक्षा परिणाम, फर्जी नोटिफिकेशन ने इंतजार कर रहे छात्रों में मचाई खलबली। दिल्ली में लावारिस कुत्तों की समस्या के समाधान की बैठक में हंगामा, 2 महिलाएं हुई गुत्तम गुत्ता, एक दूसरे को जड़े थप्पड़। हर रोज खराब होती है 25% DTC और क्लस्टर बसें, राजधानी दिल्ली में बन रही जाम की सबसे बड़ी वजह। द केरला स्टोरी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कल, यूपी के बाद हरियाणा सरकार ने भी फिल्म को किया टैक्स फ्री। कुशीनगर के थाना रामकोला क्षेत्र में भीषण हादसा, 6 घर हुए स्वाहा, आग लगने से कई लोगों की गई जान। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की 27 रनों से धमाकेदार जीत, 7वीं हार के साथ बाहर होने की कगार पर पहुंची दिल्ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 167 रन बनाए, जवाब में 8 विकेट पर 140 रन ही बना सकी दिल्ली। चेन्नई की टीम में अपनी भूमिका पर बोले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कहा अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, सिर्फ छक्के लगाने आता हूं। IPL में आज कोलकाता और राजस्थान के बीच होगा मुकाबला, लगातार 3री जीत के शीर्ष 4 में जगह बनाने उतरेगा KKR। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।